हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसईबी। आज हमारी एस फॉर हना फाइनेंस की 8th क्लास है, 7th क्लास हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ऊपर मैं आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीएल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग एंड वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं जीएल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग एंड वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग। इससे पहले हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आते हैं हम। तो जीएल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर जाएंगे सैप इजी एक्सेस में, हम डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री। यहाँ पर देखिए FB50 एंटर जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट और F-02 जनरल पोस्टिंग। तो मैं दोनों पे आपको करके दिखाता हूँ। पहले F-02 पे करते हैं। इस तरह से आएगी स्क्रीन, यहाँ पर पूछेगा किस डेट को आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। कंपनी कोड क्या था हमारा, कंपनी कोड है हमारा BYPL, करेंसी INR। ओके, ये क्या है हमारा जीएल डॉक्यूमेंट। 40 क्या होगा, मैं शेयर कैपिटल की एंट्री कर रहा हूँ, तो 40 हमारा कैश हो जाएगा, एंटर। देखिए एक यहाँ पर एरर आ रही है, नो टॉलेस्ट रेंज एंटर्ड फॉर कंपनी कोड BYPL। मैंने इसलिए ही कुछ टॉपिक्स इसमें छोड़े हैं कि आपको साथ के साथ बताऊं कि जब भी इस तरह के एरर आए तो ये ध्यान देना है आपको। तो नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज एंटर फॉर कंपनी कोड, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज एंटर फॉर कंपनी कोड BYPL। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपको यहाँ जाके इसको सेट ठीक करना है, टॉलरेंस रेंज बनानी। तो यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हो, यहाँ पर क्लिक करिए डिफाइन टॉलरेंस, आगे यहाँ पर आए डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय। आप डायरेक्ट यहाँ से एम्प्लॉय के लिए टॉलरेंस यहाँ बना सकते हो। तो टॉलरेंस किसके लिए बना रहे हैं, कंपनी कोड BYPL, ठीक है। अब कितनी रेंज देना चाहते हो एम्प्लॉय को, हमने कहा 15 लाख का डॉक्यूमेंट एंटर कर सके और 5 लाख का ओपन आइटम, 10% का हमने दे दिया इसको कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। जो क्लियरिंग डिफरेंस है हमने दे दिया 100 रुपए तक का क्लियरिंग डिफरेंस की एंट्री वो कर सकता है। इसे सेव कर देंगे, सेव हो गया। अब बैक आएंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब हम एंटर करते हैं, ठीक है, एरर गई। उसके बाद अमाउंट 5 लाख से कर रहे हैं, बिजनेस एरिया है तो हम डाल सकते हो। 50 क्या होगा हमारा, क्रेडिट क्या होगा, पोस्टिंग की 50 मतलब क्रेडिट जीएल, तो क्रेडिट क्या होगा हमारा, शेयर कैपिटल एंटर कर देंगे। यहाँ पर स्टार प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अमाउंट पिक कर लेगा। नरेशन या डालनी है नरेशन डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ से सिमुलेट कर दीजिए। तो एंट्री क्या हुई, कैश 40, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखिए माइनस मतलब ये क्या हुआ क्रेडिट। अब ऊपर देखिए हेडर आई, हेडर 1 फरवरी को एंट्री कर रहे हैं, पोस्टिंग डेट हो गई, वो डॉक्यूमेंट डेट 1 फरवरी, पोस्टिंग डेट ये हो गई। ऐसे डॉक्यूमेंट है, ऐसे डॉक्यूमेंट जनरल लेजर के लिए होता है, कंपनी कोड, पीरियड किस पीरियड में, सेकंड, क्योंकि हम K4 यूज कर रहे हैं तो फरवरी की एंट्री 2 में जाएगी, फिस्कल ईयर 2021, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, बाकी सारी हमने डॉक्यूमेंट नंबर रेंज सब कुछ हमने डिफाइन कर दिया। देखिए डॉक्यूमेंट 1000 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड BYPL। अब ये जो नंबर आया, ये नंबर कहाँ से जनरेट हुआ है, हमारी नंबर रेंज, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उसके थ्रू ये नंबर जनरेट हो गया। तो 5 डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम, तो हम F-02 के थ्रू मैंने बता दिया, अब है हम FB50 के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है एंजॉय ट्रांजेक्शन। अब कंपनी कोड यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, कंपनी कोड है हमारा BYPL, एंटर कर देंगे इसको। देखिए कंपनी कोड BYPL आ गया। अब दोबारा हमें एक एंट्री करनी है 2
को मैं एंट्री कर रहा हूँ जीएल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए जीएल पूछ रहा है, तो जीएल क्या है हमारा, बीवाईपीएल है हमारा कंपनी कोड। तो सेकंड एंट्री क्या करनी है, सपोज हम सेकंड एंट्री भी सेकंड एंट्री कर रहे हैं रेंट की, तो रेंट डेबिट कितने से 5,000, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा कैश। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टार प्रेस करके एंटर कर दीजिए, ठीक हो गई। तो दोनों तरीके से आप यहाँ से सिमुलेट कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। देखिए इसमें इस तरह से हेडर आ गया है, ये वही चीज यहाँ पर आ रही है और ये एंट्री हो गई यहाँ से कोड कर। तो FB50 के थ्रू भी कर सकते हो, FD02 के थ्रू भी कर सकते हो, FB01 के थ्रू भी कर सकते हो जीएल डॉक्यूमेंट पोस्ट। ओके, देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले FB03 में आप यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देखना है तो आप डॉक्यूमेंट की यहाँ पर डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ से करके आप डॉक्यूमेंट लिस्ट पे जाइए। ठीक है, अब मुझे किस फिस्कल ईयर के देखने हैं वो करके एंटर करेंगे और एंटर कर। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट हमने पोस्ट किए हैं, 1000 1001। ठीक है, अब इस पर एंटर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट कि क्या हमने एंट्री पोस्ट की है। देखिए H2 शेयर कैपिटल, और ये क्या था हमारा, रेंट टू कैश। ठीक है, तो दो किस कंपनी कोड पे हुआ है, BYPL पे। तो इस तरह से हम जीएल डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग। वेंडर इनवॉइस किस तरह से पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो वेंडर इनवॉइस के लिए हम कहाँ जाते हैं, वहीं जाएंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल में जाएंगे, अकाउंट्स पेबल का पार्ट है डॉक्यूमेंट एंट्री। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है FB60 और FD43। ठीक है, FD43 के थ्रू वही जिस तरह से मैंने FD02 के थ्रू आपको बताया था, आप अगर वन बाय वन करना चाहते हो और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो इंजॉय ट्रांजेक्शन से, तो FB60, तो नॉर्मल हम यूज करते हैं FB60 का। तो आ गया FB60, यहाँ पर पूछ रहा है वेंडर, वेंडर कौन है आपका, वेंडर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं BYPL, ये हो गया कंपनी कोड चेंज। अब अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे जो हमने वेंडर अपनी कंपनी कोड में क्रिएट किया था। लास्ट वीडियो मैंने आपको बिजनेस पार्टनर और वेंडर क्रिएशन बताया था, तो यहाँ पर आ गए BYPL, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने वाला वेंडर बनाया था ABC लिमिटेड, आ गया इनवॉइस किस पोस्ट कर रहे हैं हम, 5 5 फरवरी को, 5 फरवरी इनवॉइस नंबर डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट कितने का है, लाइक 50,000 रुपये का इनवॉइस है, परचेज गुड्स का है, परचेज रॉ मेटेरियल। ठीक है, और यहाँ पर स्टार प्रेस करके एंटर कर, हो गया, देखिए ग्रीन हो गया। यहाँ पर इसको सिमुलेट कर लेंगे हम यहाँ से, क्या एंट्री हुई, ABC इंडिया लिमिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट 40 हो रहा है, और 31 पोस्टिंग की किसकी होती है, क्रेडिट की होती है वेंडर की, तो ABC इंडिया लिमिटेड इसको हम पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करते हैं एंट्री का भी, देखिए डॉक्यूमेंट नंबर 1700। तो हर किसी जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है उसका नंबर अलग टाइप से जनरेट होता है, उसका 01 से स्टार्ट होता है, इसका क्या होता है, 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप पे डिपेंड करता है किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप जनरेट कर रहे हो। तो इसके बाद यहाँ पर आएंगे, अगर आपको देखना है ये इनवॉइस तो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है आ गया, इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इसको रन कर देंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, लेजर डॉक्यूमेंट, जीएल डॉक्यूमेंट, और KR मतलब वेंडर इनवॉइस, और KZ होता है वेंडर पेमेंट। तो यहाँ डायरेक्ट वेंडर चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं, और अगर वेंडर क्रेडिट मेमो पोस्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं FB65। ठीक है, सेम उसी की तरह होगा, वेंडर इनवॉइस जो है आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्रेडिट मोमो पे जा सकते हो। ठीक है, तो FB65 होता है वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है,
और अगर आपको लाइन आइटम देखनी है, लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, डॉक्यूमेंट, सॉरी अकाउंट, यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन FBL1N। अपना जो आपका वेंडर अकाउंट नंबर है वो आपको वेंडर कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। आ गया BYPL, हमारा वेंडर था ABC, ठीक है। ओपन आइटम, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आ गया 1000 ABC इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ओपन आइटम में आ रहा है, ओपन है अभी, अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है, ओनली ये हमारा इनवॉइस जनरेट हुआ है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट, जीएल डॉक्यूमेंट एंड वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।